कतरों कतरों को तरसते इंसान, जमहूरियत की आड़ में गश्त करते हैवान, जमहूर की आहों का सौदा करते हुक्मरान, तंगो तारीख गलियों में रोशनी की चमक दमक को तरसते गरीब इंसान, यतीमियत की कसौटी का फैसला करते ठेकेदार, इन ठेकेदारों के पांव तले दबे हम कीड़े मकोड़े जैसे जानदार, ये मंजर मेरे इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान का है, जिसे 60 लाख शोदा के लहू के गुस्ल से पाक किया, तो मेरे पुरखों को लगा, उन्हें लगा कि अमन की नबीद हो, इस्लाम की तरबीज हो, खुशियों की तस्वीर और उमंगों की तहरीर हो, मगर आज जब पेशावर में जिंदा जल जाने वाले बच्चे की माँ अपने बच्चे को कभी ना देख पाएगी तो कैसे जी पाएगी, मेरे कायद की रूह भी तड़पती होगी, सहम सहम कर पुकारती होगी, जब इकबाल के शाहीनों ने घुंघरू की आवाज तले ईमान पुरोशी बढ़ती, जब बूढ़े बाप की लाठी टूट कर बना हुई, जब नौजवान की डिग्रियां खाक में और लाशें जागीरदारों के कुत्तों ने चीरी, जब नन्हे बच्चों की किस्मतें जब पैसों के इवज बिखरी, जब दयारे गैर में हमारी आंखें तड़पी, जब शिया और सुन्नी के फिरका वराना फसादात की मोहरे लगी, जब मुल्क के कूचे कूचे से करप्शन और गबन की लकीरें फूटी, जब काली रात के अंधेरे शहर में सूरत पर पाबंदी लगी, तो मेरे कायद की रूह भी तड़पी और सहम सहम कर पुकारी कि तुम्हें जिंदगी सुनाऊं, मेरा शहर जल रहा है, मैं खुशी कहां से लाऊं, मेरा शहर जल रहा है, तुम्हें ईद की खुशी है मुझे याद है लेकिन मैं कैसे भूल जाऊं, मेरा शहर जल रहा है, मेरा शहर जल रहा है, ये शहर जल रहा है। जब अब्दुस्सत्तार ईदी ने गुर्बत के मीनारों को शिकस्त देकर मोहब्बतों का कला फतह किया, ये शहर समरा था। जब 1965 में लोग अपने सीनों पर बारूद बांधे टैंकों के आगे लेटे थे, ये शहर समरा था। जब सोवियत यूनियन की ताकतों को रेजा रेजा करके खाक में मिलाया था, ये शहर समरा था। जब अपने कमजोर बाजू फैलाकर 30 लाख उर्दू और 40 लाख अफगान मुहाजरीन को सीने से लगाया था, और ये शहर समरा था। जब अपनी खुदमुख्तारी के लिए दुनिया का सातवां बड़ा एटमी मोजा दिखाकर दुनिया पर खौफ और लर्जा तारी किया था, ये शहर समरा था। जब अपना काफिला अजमो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा, वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा, मुझे यकीन।